भारतीय टीम से बाहर होने के बाद अब हार्दिक पांड्या को लगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या इन दिनों एक टीवी शो में किए गए अपने विवादित बयान के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं। पांड्या ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण में महिलाओं को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। टीवी शो कॉफी विद करण में की गई विवादित टिप्पणी के बाद हार्दिक पांड्या को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इस बयान के कारण हार्दिक पांडे को कंगारू दौरे और न्यूजीलैंड दौरे से बाहर तो होना ही पड़ा। इसके साथ ही हार्दिक पांडे को एक और बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हार्दिक पांड्या को एक बड़े क्लब से अपनी सदस्यता खोने का झटका लगा है। जी हाँ, हाल ही में मीडिया में खबर मिली है कि मुंबई के प्रतिष्ठित खार जिमखाना क्लब में उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि इस क्लब में संयुक्त सचिव ने बताया कि खार जिमखाना क्लब राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सम्मानजनक रूप से क्लब की सदस्यता देता है, लेकिन हार्दिक को लेकर हाल ही में विवाद के बाद हमने एक मत से उनकी सदस्यता को रद्द करने का फैसला लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रतिष्ठित क्लब ने भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, टेनिस स्टार लिएंडर पेस और महेश भूपति, सानिया मिर्जा और ओलंपिक मेडलिस्ट शटलर साइना नेहवाल को दिग्गजों को अपनी सदस्यता दे चुका है। हार्दिक पांड्या के अलावा केएल राहुल भी फिलहाल इस मामले के कारण निलंबित हो चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने बाद में अपनी इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी थी। पांड्या ने अपने हरफनमौला प्रदर्शन से कई अहम मैचों में टीम को विजयी बनाने में अहम योगदान दिया है। तो आप देखना होगा कि हार्दिक पांड्या को कितने लंबे समय तक बैन किया जाता है। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ये दोनों सजा के हकदार हैं या नहीं। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।